फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि आज यानी कि 12 बजे Redmi Note 9 Pro Max का सेल था और एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि हमें एक्सपेक्टेड था, सेल बिल्कुल वैसे ही था। बहुत सारे लोगों को यहाँ फोन परचेस करने का मौका नहीं मिला, लेकिन फ्रेंड्स जैसे कि आप ये देख सकते हो, मैंने ये डिवाइस को परचेस कर लिया है। 150 में मैंने इसे amazon.in से परचेस किया है, लेकिन फ्रेंड्स मैंने अभी तक इसका पेमेंट नहीं किया है। अब पेमेंट नहीं किया, क्यों नहीं किया मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जब मैं इसका पेमेंट करने गया तो मुझे इसका जो डिलीवरी डेट है वो बहुत ज़्यादा दिखा रहा था, यानी कि 17 अगस्त से 19 अगस्त, यानी कि अभी से 2 महीने बाद। इसलिए मैंने अभी तक इसका चेकआउट नहीं किया है और मैं करूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं इतने दिन तो नहीं रुक सकता हूं अपने फोन को डिलीवर होने के लिए। तो अभी भी ये हमारे मेरे amazon.in पे ऐसे भी जाके पड़ा हुआ है और ये कुछ देर बाद ही अपने इसे वहां पर डिलीट हो जाएगा। तो यार मुझे यहाँ पर पता था कि Amazon कुछ ऐसे ही करेगा, 1 से 2 घंटे बाद स्टॉक में लाएगा फोन, इसलिए मैं अपने फोन को लेकर यहाँ पर बैठा हुआ था और फाइनली 1:50 में मुझे मौका मिला इस फोन को यहाँ पर परचेस करने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अभी यहाँ पर इसका चेकआउट नहीं करने वाला हूँ। लेकिन फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 1 घंटे पहले इस फोन का सेल आ जाएगा और ऐसे ही कुछ हुआ। 11 बजे से ये फोन सेल पे है, 11 बजे से यहाँ पर 628 वेरियंट सेल पे आ रहा है, जा रहा है, कभी कभार 664 भी आ रहा था सेल पे, लेकिन ये चेकआउट नहीं हो रहा था। बाय नाउ और ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन चेकआउट नहीं हो रहा था, पेमेंट वगैरह तक जा ही नहीं रहा था, बस ऐड टू कार्ट हो रहा था, फिर वहां से जाके वो अपने आप डिलीट हो जा रहा था। तो यार कुछ ऐसा सीन आज यहाँ पर हो चुका है, कल भी ऐसा ही कुछ हुआ था, आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है और बाद से बहुत सारे लोग इस चीज से अभी भी निराश है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो यार ये वीडियो बनाने का बस यही मकसद है Xiaomi को यह बताना कि प्लीज यार आप इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दो। मतलब अब कस्टमर्स फेडअप हो गए ये चीज़ को लेकर, ये फ्लैश सेल्स को लेकर। बहुत सारे कस्टमर्स वैसे भी हैं जो मुझसे अल्टरनेटिव पूछते हैं, मुझे कमेंट करके पूछते हैं भाई मुझे कोई अल्टरनेटिव बता दो इस फोन का, क्योंकि मुझे ये फोन अब बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है, मैं बिल्कुल यहाँ पर फेडअप हो चुका हूँ। तो यार अब ऐसा ही कुछ रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि Xiaomi का जो फ्यूचर है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स अब चीज़ से फेडअप हो गए हैं। क्योंकि यार Xiaomi फोन्स तो बहुत अच्छे लॉन्च करता है, बहुत अच्छे फोन्स आप लॉन्च करते हो नो डाउट, लेकिन आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो बिल्कुल मतलब बेकार है। आप मतलब फोन मतलब अवेलेबल कर ही नहीं पाते हो अपने कस्टमर्स के लिए, तो अच्छे फोन्स लाने का क्या फायदा जब कस्टमर्स के हाथ में वो फोन आएंगे ही नहीं। और यार एक चीज़ अमेजोन से भी आपको भी बता देता हूँ, अमेजोन प्लीज इस चीज़ पर आप थोड़ा ध्यान देना। आप जब सेल बोलते हो 12 बजे तो आप 11 बजे कैसे सेल दे सकते हो? मतलब 11 बजे ये सेल आ रहा है, अब कोई भी बंदा 11 बजे तो फोन लेके बैठेगा नहीं। और जैसे कि मैं हूँ कि मैं 2 घंटे बाद भी फोन लेके बैठा हुआ था इस फोन को परचेस करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग जो काम धंधा वगैरह करते हैं वो तो नहीं बैठेंगे ना यार फोन को 2 घंटे लेके एक फोन को परचेस करने के लिए, वो तो नहीं बैठेंगे, बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। तो यार इस चीज़ पे Amazon को थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मतलब ऐसे नहीं होता यार, मतलब कस्टमर आपका वेट कर रहा है फोन को परचेस करने के लिए। आप टाइम देते हो 12 बजे और फिर आप 11 बजे परचेस करने के लिए अवेलेबल करते हो और फिर 2 बजे 2 घंटे बाद अवेलेबल करते हो, तो यार मतलब ऐसे नहीं होता यार, मतलब बहुत ज़्यादा ये हो चुका है, मतलब समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है या मतलब इस चीज़ का क्या करना है। तो यार अब बता देते हैं कि इसका नेक्स्ट सेल कब होने वाला है। इसका जो नेक्स्ट सेल है वो अब 10 जून को होने वाला है 12 बजे, वही amazon.in और MI स्टोर पे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाके यहाँ पर एक बार जाके बाय नाउ कर सकते हो। और बता देता हूँ कि इस बार आपको कोई COD देखने को नहीं मिलने वाला है, सिर्फ आपको यहाँ पर प्रीपेड मोड ही देखने को मिलने वाला है, जो कि वहाँ पर मेंशन हो चुका है पहले ही। तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर COD देखने को नहीं मिलने वाला। आज भी कोई भी COD वगैरह अवेलेबल नहीं था, नहीं तो मैं कर लेता प्रीपेड, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अभी यहाँ पर छोड़ दिया, वैसे ही वो आप ऐड टू कार्ट वहीं पर अमेजोन पर पड़ा हुआ है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।